नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सिरसा शहर में। यहाँ डेरा सच्चा सौदा के बारे में लोगों से घर घर जाके हम रिव्यूज़ ले रहे हैं, जान रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में लोगों के क्या विचार हैं। आपका नाम क्या है? कुलविंदर शर्मा। आप सिरसा शहर में कितने समय से रह रहे हो? 10 सालों से। 10 सालों से आप यहाँ पर रह रहे हो, यहाँ डेरा सच्चा सौदा है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा है डेरा सच्चा सौदा और हमें गुरुजी बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। आप भी जुड़े हुए हो डेरा सच्चा सौदा से? जुड़े हुए हैं, 25 सालों से जुड़े हुए। 25 सालों से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हो। वहाँ पे मीडिया ने काफ़ी बातें दिखाई थी, आपका क्या कहना है उनके बारे में? मीडिया सरासर गलत बोल रही है गुरुजी, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा जो वो बोल रहे हैं। गुरुजी हमारे बहुत ही अच्छे हैं और बहुत सही बोल रहे हैं। आप यहाँ स्कूल कॉलेज हैं, आपके बच्चे भी यहाँ, वहाँ कहाँ पढ़ते हैं आपके स्कूल के बच्चे? हमारे बच्चों ने यहीं पे शिक्षा प्राप्त की है। यहाँ के स्कूल कॉलेजों में लड़कियों के लिए सेफ्टी कैसी रहती है? लड़कियाँ सेफ हैं क्या यहाँ के स्कूल में? हम जहाँ स्कूलों में लड़कियाँ बहुत ही सेफ हैं, हमारी लड़कियाँ भी, मेरी अब 2 बेटी हैं और एक बेटा है, वो भी यहीं पढ़े हैं और बहुत अच्छी शिक्षा है। बाहर बिल्कुल सेफ नहीं है जो जहाँ पे हैं। बाहर स्कूल कॉलेजों में देखा है कि लड़कियों बिल्कुल भी सेफ नहीं, गुरुजी लड़कियों को मार्स आर्ट्स भी सिखाते हैं। और यहाँ पे लड़कियाँ बिल्कुल सेफ हैं ये बताया इन्होंने। और हाँ, आपका अपने गुरु पर कैसा विश्वास है? हमारे गुरु पर हमारा 101% विश्वास है और विश्वास बना ही रहेगा। विश्वास था और है और रहेगा हमेशा हमारे गुरु जी। बिल्कुल हम आज भी डेरे में सेवा करते हैं और ऐसी कोई बात नहीं गुफा में दिखाया गया वो जो दिखा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और गुरु जी की हम बहुत ही धन्यवादी हैं जो उन्होंने हमें दुनियावी से बचाया है। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली कि हम गुरु जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें दुनियावी जो गंदगी है उससे बचाया और हमारे बच्चों को बचाया और ऐसा सेफ इन्वायरमेंट दिया जहाँ पे स्कूल कॉलेज में बच्चियाँ बिल्कुल सेफ पढ़ सकती हैं और वहाँ पे उन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की है। लेकिन लोग, मीडिया आपको अंधभगत कह रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनको? मीडिया जो अंधभक्त कह रहे हैं, हम हैं अंधभक्त क्योंकि हमारे गुरु ने हमारे साथ इतने करिश्मे किए हैं जो हम बयान नहीं कर सकते और हम गुरु का देन नहीं दे सकते जो उन्होंने हमारे लाखों ऐसे दुख दूर किए हैं। और उनमें से एक छोटी सी मिसाल है कि एक बार हमें बहुत ही बीमार हो गए थे और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उन्होंने लुधियाने रेफर करने के लिए बोला था और हमारे घर वालों ने रात को सिमरन किया और गुरु जी ने दर्शन दिए कि बेटा डॉक्टर बदल लो और हमारे जो के लाखों नुकसान हो, पैसे लगने थे, रुपया लगना था, वो गुरु जी की रहमत से बच गया और गुरु जी ने एक थोड़ी सी दवाई के साथ ही हमारा इतना भयानक रोग काट दिया। हम क्यों ना गुरु जी के भक्त रहें, हमेशा ही रहेंगे। बहुत बड़ी बात कि गुरु जी सपने में आके इनको बता देते हैं कि आपको कौन सा डॉक्टर सही है, कौन से डॉक्टर से आपको सही दवाई मिलेगी। ऐसा विश्वास इन लोगों का अपने गुरु पर बना है, कैसे हम इस विश्वास को दूर कर दें जब गुरु जी सपनों में आके भी हमारे कर्म काटते हैं। आप लोगों को क्या कहना चाहोगे, डेरा सच्चा सौदा क्या है, गुरु जी क्या है? हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप मीडिया के पीछे ना लगो और डेरे में आओ, आकर देखो कि जब गुरु जी अब नहीं है तब भी संगत ऐसी ही सेवा करती है और खेतों में और डेरे में वैसे का वैसा ही चल रहा है। जन्मदिन मनाया है, गुरुगद्दी दिवस हुआ है, वो भी पूरी धूमधाम से, लाखों करोड़ों की तादाद में संगत आई है और गुरु पर पूरा विश्वास है। इस विश्वास के साथ ही हम कह रहे हैं कि आप जो मीडिया वाले बोल रहे हैं वो डेरे में आकर एक बार देखें और देखें कि क्या है। वो मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं जो कि प्रेमियों को ऐसी संदेश है कि वो गुरु किसी मीडिया वालों के मगर ना लगें और जहां आकर गुरु पर पूरा ही दृढ़ विश्वास बनाए रखें। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोला कि जो भी मीडिया ने दिखाया है वो गलत है। अगर मीडिया ने जो दिखाया है उसके सच को आप जानना चाहते हो तो एक बार आइए डेरा सच्चा सौदा में, देखिए क्या है डेरा सच्चा सौदा, कितने मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा में सिखाए जाते हैं। जानना चाहते हो तो आइए डेरा सच्चा सौदा में और जानिए डेरा सच्चा सौदा के बारे में।